नमस्कार प्यारे बच्चों, एक महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है। कल जैसा सभी को पता है 11 जुलाई है, बहुत महत्वपूर्ण दिन, क्योंकि कल मोस्ट प्रोबेबली सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला आएगा कि रिनीट करवाना है या कि नहीं करवाना है। इससे पिछली सुनवाई में जज साहब ने दो तीन तरह की जो है बातें रखी थी, और उसमें जो एनटीए था उसको ये निर्देश दिए गए थे कि वो इस तरह का कोई डेटा एनालिसिस पेश करे जिससे पता चल सके कि ये जो चीटिंग है वह कुछ सेंटर तक सीमित थी या मास लेवल पर। सीबीआई को भी कहा गया, वो भी अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे, उस पर भी काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा। मोटे मोटे तौर पर इस डेटा एनालिसिस के द्वारा यही जज साहब जानना चाह रहे हैं कि भाई ये जो लीक है वो किस स्तर का है। तो कुछ डेटा एनालिसिस, देखिए कुछ न्यूज़ चैनल्स के हवाले से ये बात मैं कह रहा हूँ, काफ़ी प्रतिष्ठित न्यूज़ चैनल है इसीलिए इसमें कोई शक ज़्यादा रह नहीं जाता। और दूसरा, इसका पुष्टिकरण का समय उतना अवेलेबल भी नहीं था, पर हाँ, क्योंकि ये एक प्रतिष्ठित न्यूज़ चैनल है तो उम्मीद है कि ये डेटा एनालिसिस जो उनके पास पहुँचा है वो सही होगा। ऐसा माना जा रहा है कि जो डेटा एनालिसिस अभी मैं बताने जा रहा हूँ वो कल एनटीए कोर्ट में पेश करेगा, और उसका क्या इम्पैक्ट होगा वो भी हम देखते हैं। पहले उस डेटा एनालिसिस की मुख्य बातें जो निकल कर आ रही हैं, देखिए बहुत पुष्ट खबरें नहीं हैं, बट स्टिल जैसा मैं कह रहा हूँ बार बार कि ये प्रतिष्ठित लोगों से, पत्रकारों के द्वारा प्राप्त हुआ है इसीलिए इसे सही माना जा सकता है। तो देखिए क्या डेटा एनालिसिस है, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु उस डेटा एनालिसिस के यहाँ मैंने लिए हैं। एनटीए ने जो एनालिसिस किया है उसके अनुसार टॉप 11,000 जो रैंक आपको नजर आ रही है वो 800 अलग अलग सेंटर से है। मतलब शुरुआती 11,000 जो बच्चे हैं वो 800 अलग अलग सेंटर से बिलोंग करते हैं। लगभग आपको मालूम है 4,500 सेंटर पर 23 लाख बच्चा बैठा था, तो 11,000 जो टॉपर्स हैं वो किसी एक जगह से, किसी एक स्टेट से बिल्कुल भी नहीं नजर आ रहे हैं, क्योंकि 800 सेंटर्स का मतलब ये तो लगभग पूरे इंडिया लेवल से ही है। इवन टॉप 5 के जो कैंडिडेट है वो भी आपके 780 अलग अलग सेंटर से नजर आ रहे हैं। ये डेटा कल मोस्ट प्रोबेबली पेश किया जा रहा है, ऐसा मीडिया में चीजें हैं, ठीक है ना। तो शुरुआत के जो 5,000 बच्चे हैं वो 780 सेंटर से हैं। ये डेटा जो है वो बताता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स काफी वाइड है, फैला हुआ है, ठीक है। इसका यदि ऐसा ही डेटा एनटीए कल पेश करता है तो उसका क्या इंपैक्ट होगा वो भी हम चर्चा करेंगे। 680+, देखो पटना और गोधरा की दो बातें आ रही हैं, क्योंकि सर्वाधिक संभावना यहीं पर थी कि यहीं डिस्टरबेंस ज़्यादा हुआ है, यहीं पर पेपर लीकेज की। गोधरा में तो उतना नहीं था लेकिन पटना, क्योंकि गोधरा में तो अलग तरह का केस था, बट स्टिल ये दो नाम ज़्यादा दिखाई दिए थे कि भाई यहाँ पर गड़बड़ी की पूरी आशंका है। तो भाई पटना में 680+ बच्चा 35 है, लगभग पटना में शायद जहाँ तक मुझे ध्यान रहा 12 सेंटर थे, तो वहाँ से 680+ बच्चे केवल 35 ही है। तो पटना जैसे बड़े शहर से 35 बच्चा, 680+ इज नॉट ए बिग डील एट ऑल। यदि ये बात सच है तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा बिल्कुल भी नहीं है, है ना। यदि ये सच है तो फिर ये आंकड़ा बड़ा नहीं हो सकता। गोधरा में एक भी बच्चा जो है वो 680+ नहीं है, 640+ भी 175 बच्चा है। 640 वाले को तो आज की तारीख में कॉलेज भी नहीं मिल रहा है। तो 175 बच्चा जो है वो पटना शहर से बताया जा रहा है, जहां सबसे ज्यादा खबरें थी कि पेपर क्या है आउट है। देखिए ये न्यूज चैनल्स के हवाले से मैं खबर आपको दे रहा हूं, पर मोस्ट प्रोबेबली सही ही होगी, क्योंकि जैसा मैंने बार बार बोला कि कोई इस तरह का लोकल न्यूज चैनल नहीं है, नाम मैं नहीं लूंगा, लेकिन हां ये विश्वस्त ही मान सकते हैं। तो पटना जो है वहां से 175 कैंडिडेट ही 640+ है, ये बिल्कुल भी बड़ा आंकड़ा नहीं है यदि 12 सेंटर को मैं मिलाता हूं, और मात्र गोधरा से 8 ही बच्चा ऐसा है जिसका 640+ मार्क्स है। ये कुछ आंकड़े कल एनटीए पेश कर रहा है। और एक और बात निकल कर आ रही है कि क्वालिफाइंग एवरेज जो है वह पटना का और गोधरा, मतलब जितना प्रतिशत आप देख रहे हैं कि पटना और गोधरा से क्वालिफाई हुए हैं वो नेशनल लेवल से भी कम निकल कर आ रहा है। हालांकि इस तरह की चीज़ उन्होंने पहले भी दी थी क्वालिफाइंग वाली, है ना, पर ये बात भी वो कल रखने वाले हैं कि पटना और गोधरा शहरों का जो परसेंटेज है जो बच्चा क्वालिफाई हुआ है वो लेस देन नेशनल है। इवन इट इज़, उनका कहना है कि इट इज़ लेस देन द नियर बाई सिटीज़, जो आसपास के शहरों से भी ये कम है। और एक विद्यार्थी रोशनी जिसको पकड़ा गया था, आई थिंक सो एग्जाम के पश्चात जिसे पकड़ा गया है, उसके मार्क्स 103 बताए जा रहे हैं, 103 मार्क्स बताए जा रहे हैं, जिस पर यह था कि इसने पेपर रट कर आई है या इसको पेपर मालूम था। अब देखिए मुझे, मैं नहीं जानता कौन सी बच्ची है ये, पर यह इस तरह की खबरें मीडिया में हैं, और कि 103 मार्क्स ही उसके आउट ऑफ 720 आए हैं। अब देखिए बच्चों, पहली बात, ये आंकड़े सही हैं,
कि नहीं वो कल हमें पता चलेगा, पर संभावना प्रबल है कि ऐसा आंकड़ा आ सकता है सामने। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये डेटा एनालिसिस करना कोई बड़ी चीज नहीं है। तो ये डेटा यदि कल पेश होता है, पहली केस कि ये डेटा सही हो, ठीक है, यदि सही होगा तो ऑब्वियसली बात है कल आ ही जाएगा। और ये कल यदि डेटा सही है और पेश हो जाता है तो ये रीनीट पर नेगेटिव इंपैक्ट डालने वाला डेटा है। जितना एनालिसिस हो रहा है ये नेगेटिव इंपैक्ट डालने वाला है। देखिए ये आंकड़ा यदि जज साहब के सामने जाता है तो मुझे लगता है कि वो कितना कंसिडर करते हैं लीकेज वाले को। अच्छा, इसमें एक एस्पेक्ट अभी भी बचा हुआ है कि सीबीआई अपनी क्या रिपोर्ट पेश करती है कि भाई किस हद तक लीकेज हुआ, या पुलिस की तरफ से क्या रिपोर्ट आती है, वो भी मायने रखेगी। दोनों चीजें, उन्होंने डेटा भी एनालिसिस करने को बोला था और साथ में उन्होंने ये सीबीआई की तरफ से भी रिपोर्ट मांगी थी, दोनों पर ही आपका फैसला डिपेंड करेगा। बाकी देखिए कल क्या होता है, जज साहब के दिमाग में क्या चीज कब क्लिक कर जाए, कौन सा आंकड़ा जो है वह उन्हें प्रभावित कर जाए कह नहीं सकते, पर यह आंकड़ा आना जो है वो रीनीट वालों के लिए बहुत अच्छा लगता नहीं है। और यदि हां सीबीआई की रिपोर्ट जो कि ज्यादा महत्वपूर्ण है, देखो डेटा एक अलग अपनी बात होती है और एक सीबीआई इंक्वायरी कर रही वो एक बिल्कुल अलग बात होती है, उसके बाद में वो क्या डिसीजन लेते हैं वो कल हम देखेंगे। बिल्कुल उम्मीद करते हैं फिर से एक बार कि किसी के साथ भी अन्याय ना हो, सभी के साथ न्याय हो। और मैं तो यही मानता हूं कि अभी भी यदि संभव हो सके तो पहले एग्जाम को एज इट इज रखते हुए दूसरी परीक्षा करा देनी चाहिए, उसी में कम से कम अन्याय होगा। बाकी देखिए दोनों ही स्थितियों के अंदर न्याय पूरा नहीं हो सकता, यदि आपने पूरा क्रॉस कर दिया तो मेहनत से जो नंबर लाया है उसको भारी नुकसान होगा, और यदि आपने क्रॉस नहीं किया तो ये जो लीक ही है वो किसी भी लेवल पर हो, मैं तो मानता हूँ कि किसी भी लेवल पर हो वो नुकसानदायक ही है देश के लिए और आने वाली परीक्षाओं के लिए। तो उसका बीच का सोल्यूशन निकाला जाना चाहिए, एक 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 एग्जाम ऑर्गेनाइज कराया जाना चाहिए जिसमें फर्स्ट को रखते हुए सेकेंड जो है वह मैंडेटरी ना हो, दे सकते हैं तो दे लीजिए, इस तरह का रखना चाहिए। पर सारी चीज़ें जब सबके पास हैं, ये आंकड़े या फिर सीबीआई की रिपोर्ट क्या आती है उस पर डिपेंड करेगा। कल का दिन महत्वपूर्ण है। देखो बच्चों, जो भी रिजल्ट आए, चाहे रीनीट हो ना हो, अपने दिमाग पर काबू रखना, अपने आप पर नियंत्रण रखना, ये एक परीक्षा है। हालांकि परीक्षा कुछ ज़्यादा लंबी परीक्षा हो गई है, बट ठीक है, इट इज़ जस्ट एन एग्जाम, इतना प्रभावित नहीं होना है, ये जीवन का कोई अंतिम मौका नहीं है। यदि होता है तो भी और नहीं होता है तो भी, दोनों ही स्थितियों में दिमाग को संतुलित रखते हुए आगे की योजना पर जुट जाना है। कभी भी एक परीक्षा सब कुछ डिसाइड आपके जीवन का नहीं कर सकती, तो पेशेंस रखें, दिमाग को ठंडा रखें, अनावश्यक उलझे नहीं किसी से भी, शांत रखकर जो भी फैसला आता है उसे खुशी खुशी स्वीकार करते हुए आगे की योजना बनाएं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं।